हरी मिर्च के अचार का तड़का लगाने के बाद में दाल बहुत ज्यादा टेम्पटिंग और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, काफी मजेदार और स्पाइसी बनकर तैयार हुई है। तो हेलो फ्रेंड्स, यास्मीन उमा खान चैनल में आज हम बना रहे हैं अचार वाली दाल। बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पकाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए सोक कर दिया था ताकि ये एकदम से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं दाल हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसके लिए एक मीडियम साइज की प्याज को हमने फाइनली चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए थे, इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। तकरीबन ये 150 ग्राम के बराबर होंगे। और इसके लिए बेसिक से मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है। बस यही मसाले हैं, बाकी के अचार के लिए मसाले हम अलग से लेंगे। अचार के लिए मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं, मोटी वाली, ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये मोटी वाली हरी मिर्चें। और मसाले में मैंने 1 टीस्पून लिया है जीरा, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर साबुत वाला धनिया और 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को ज़्यादा न डालें क्योंकि इससे कलर भी काला होता है और टेस्ट भी हल्का सा कड़वाहट में आ जाता है। और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, 2 यहाँ पर हमने लौंग ली हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सरसों के दाने ले लिए हैं, इसे राई भी बोलते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने साबुत ले ली है सौंफ। बस यही मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद में दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो मसालों को हल्का सा हम जब तक खुशबू आती है तब तक हम इनको रोस्ट कर लेंगे। इसी में डालेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी हम ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी। अब मसालों को ठंडा करके दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब चलते हैं दाल पकाने के लिए। तो कुकर के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऊपर तक भरकर ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है और इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे बहुत थोड़ा सा ज़ीरा। तो अब इसके अंदर हम प्याज भी ऐड कर लेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई मत करिएगा। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून और साथ के साथ ही इसके अंदर सूखे मसाले भी ऐड कर लेंगे जो हमने आपको मेंशन किए हैं। और तकरीबन 10 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद में और चीज़ें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 10 सेकंड मसालों को भूनने के बाद में हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से भून जाएं। साथ ही हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर लेंगे और तब तक मसाले को भूनेंगे जब तक टमाटर हमारे एकदम से सॉफ्ट होते हैं। मसाला इतना भुना हुआ होना चाहिए। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। इधर हमने जो अचार का मसाला लिया था उसमें से 1 टेबल स्पून दाल के साथ भी कुक करेंगे, तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हमने दरदरा ग्राइंड करके रखा हुआ था और बाकी का जो मसाला है इसको हम मिर्चों के अंदर भरेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें दाल डालकर 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। दाल को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद में इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और 4 प्रेशर ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और दाल हमारी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि अगर हम इसमें चम्मच भी चलाएं तो एकदम से ये घुट जाए। तो यहाँ पर हम मिर्चें भी भरकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सरसों का तेल, साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर ही लेमन जूस, तो वो भी मैंने निकाल करके रखा है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी मिर्चों को मैंने बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी हैं तो आप इसके अंदर से सीड्स को निकाल सकते हैं, अगर नहीं है, ये मोटी वाली मिर्चें हैं तो ये फीकी होती हैं। इसके अंदर हम सारा मसाला इस तरीके से फिल करेंगे, अच्छी तरीके से इसमें फिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो सभी मिर्चों को हम इसी तरीके से भरकर तैयार करेंगे। तो मिर्चों का हम इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है और इसी के साथ साथ हम सारी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट हम इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब इसके अंदर हम जो मसाला बच गया है वो भी ऐड कर लेंगे, साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पानी भी ऐड करेंगे और इसे कवर करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। मिर्चों को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया, बहुत ही प्यारी पूरे किचन में खुशबू आ रही है इसकी। ये देखिए आप, अचार हमारा बनकर तैयार है जो इंस्टेंटली बनकर ये तैयार हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त हमारी मिर्चें बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम एक साइड कर लेंगे, अब दाल को चेक कर लेंगे। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई है, इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा कम है, इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, दाल एकदम से एक इशारे से ही टूट रही है, बस ऐसी ही दाल हमें चाहिए। तो हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से चम्मच चलाएंगे या फिर हम इस तरीके की रई ले लेंगे, हल्के हल्के से हम इसको मैश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी दाल दिखती हुई होनी चाहिए। तो दाल हमारी थोड़ी सी ठीक है, तो इसके अंदर हम 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और ये हल्का गर्म पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना है वरना तो दाल आपकी ऐंठ जाएगी। तो यह इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, उसके बाद में हम इसका तड़का तैयार करेंगे।
तो दाल को पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी इतनी गाढ़ी हो गई है, बस ऐसी ही दाल हमको चाहिए। बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है दाल हमारी और बहुत ही प्यारी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देना है और अब इसको हम सर्व कर लेंगे, उसके बाद में ऊपर से तड़का लगाएंगे। अगर हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे तो हरी मिर्ची जो है वो नीचे जाकर बैठ जाएंगी, वो हमें नहीं करना है। हरी मिर्ची तड़के के ऊपर ही ऊपर रहनी चाहिए, वैसा हमें तड़का चाहिए। तो इसे हम डिश के अंदर ऐड कर लेंगे। पैन के अंदर हमने फिर से 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है ये। तो अब इसे हम गर्म कर लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा जीरा, जीरे को हल्का सा क्रैकर हो जाने देंगे और जैसे ही ये हमारा क्रैकर होगा इसके अंदर हम तकरीबन 1 से 2 हम यहाँ पे लाल सुर्ख वाली मिर्ची ऐड कर लेंगे और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर अचार वाली मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। तो अचार वाली मिर्ची आप जितना चाहे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मैं 3 से 4 इसके अंदर ऐड कर लूँगी और मसाले के साथ ही ऐड करेंगे हम मिर्ची। अब इस तड़के को उठा करके डाल देंगे हम दाल के ऊपर। अचारी दाल बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। देखने में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो और इसको खाने में जब मज़ा आ जाने वाला है तो आपको देखेंगे आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। चीज़ों को अलग अलग भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, फैमिली भी खुश रहती है। तो ये देखिए अचार जो है हमारा कितना ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है और दाल भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की दिख रही है। ये देखिएगा आप, इसको उठाएंगे इस तरह से, ये देखिए। तो कीजिए आप अपनी भी फैमिली के साथ में एंजॉय। अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाजिर हो जाऊंगी एक नई और आसान रेसिपी में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।